It is rightly said, comfort kills the legends. आप सोच के देखो, आपके घर पे कोई बीमार है, आपके घर वाले, मम्मी पापा, खुदा ना खास्ता ना हो, मगर अगर कोई बीमार है और आप कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, क्या आप उनको सेफ रख पाओगे? क्या आप उनको बचा पाओगे? सोच के देखना. नॉर्मल लाइफ तो नॉर्मली चल जाती है, सब जिंदा रह जाते हैं, लेकिन आप ही सोचो, अगर कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई ऐसा दिक्कत आ जाए आपके घर में, क्या करोगे आप? मर जाने दोगे? नहीं ना, अपने माँ है, अपने पापा है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे. ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ करके उनका वो तकलीफ रिलीफ करें. सो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप अगर नॉर्मली चलो तो आपको सक्सेस, अचीवमेंट ये सब मिल जाएंगे. व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? नहीं ना. सो क्या करना पड़ेगा? डू समथिंग डिफरेंट. मगर वो डिफरेंट क्या है? ये वाला जो चीज है ना, फिंगरप्रिंट, ये किसी का सेम नहीं होता. सिमिलरली हर एक इंसान में कुछ ना कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज, कुछ ना कुछ डिफरेंट पावर रहते हैं, मगर आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो कैसे करेंगे? आप बहुत सारे चीजें बचपन से देखते हो, मूवी देखते हो, से सॉन्ग्स देखते हो, पेंटिंग्स देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, मगर सोच के देखना कौन सी चीज को आपको करने का मन होता है. सोच के देखो, कोई ना कोई तो चीज होगा. या आपको टीचिंग करने का मन हो सकता है, कुछ ना कुछ तो मन हो सकता है ना. देन हाउ टू नो व्हिच वन इज योर पैशन, व्हिच वन इज द मेन थिंग जिसमें आप टॉप नॉच बन सकते हो. क्योंकि आप सोच के देखना, आपको अगर गेम खेलना अच्छा लगता है, सारा दिन खेल लो, थकोगे नहीं. आपको अगर म्यूजिक करना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, सारा दिन कर लो, थकोगे नहीं. हो सकता है फिजिकली आप थक जाओ, मगर मेंटली आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने क्या काम किया. लेकिन वही काम आपको पैसे कमा के दे सकता है, वही काम आपको टॉप लेवल में पहुंचा सकता है. सो फाइंड आउट योर पैशन, देन डेलीगेट योर वर्क, फाइंड समवन हु कैन मेक योर सम वर्क इजी. लाइक आपके घर पे आप मेड रख सकते हो जो आपके मम्मी पापा का काम पे मदद कर देंगे और आपके काम पे भी मदद कर देंगे. फर्क नहीं पड़ता ना, 3-4 हज़ार जाएगा पैसे, लेकिन आपके हर दिन का 2-3 घंटा बच जाएगा. और उस टाइम पे आप कुछ ऐसा सीख लोगे जो आपको वही मेड का पैसा एक दिन में या 2 दिन में कमा के दे सकता है. अमेजिंग ना. तीसरा चीज, पैशन फाइंड हो गया एंड डेलीगेशन फाइंड हो गया, अब क्या करें? तीसरा चीज, उसको अपस्केल करो. अपस्केल करो, जब खुद एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे फिर उसको सिखाओ. सिखाने से हर चीज ग्रो करता है. जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूं, एक टाइम तो मैंने भी सीखा था ना. मैं आज आपको कुछ सिखा रहा हूं, एक टाइम तो मैंने भी सीखा था ना. एक टाइम तो मैंने भी पैशन ढूंढना, डेलीगेशन करना, ये सब टीचिंग, ये सब सीखा था ना. डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से, पेड नॉन पेड वे से, यूट्यूब से सीखा, किसी कोर्स से सीखा, कभी ना कभी किसी से तो सीखा, मम्मी पापा से सीखा, किसी मूवी पे या कार्टून पे देख के सीखा. मैं बहुत ज्यादा कार्टून देखता था, उससे मुझे फ्यूचरिस्टिक चीज बहुत अच्छा लगता था, मुझे एनिमेशन बहुत अच्छा लगता था, मुझे डिजाइनिंग बहुत अच्छा लगता था. Those are the things I love and वो सब मैंने सीखा. हर चीज नहीं, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज मैंने सीखा, कुछ कुछ चीज डेलीगेट कर दिया और कुछ कुछ चीज आगे लोगों तक पहुंचा दिया, लोगों को सिखा दिया. सो फ्रॉम नाउ आप पहले पैशन फाइंड आउट करो, देन उसको खुद करो और दूसरे सारे काम लोगों से डेलीगेट करो, देन सिखाओ. सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी आज सीखो वो सिखा देना, आगे बढ़ा देना. हो सके तो वीडियो शेयर कर देना या तो खुद किसी को सिखा देना, लेकिन अप्लाई जरूर करना.
एंड जाते वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए खुश रहे और अपने फैमिली को खुश रखें।